2020 के बिहार इलेक्शंस का रुख यूजुअल इलेक्शन से काफ़ी अलग था, क्योंकि इस बार सब रोजगार के मुद्दे पर लट रहे थे। अब क्योंकि इस मुद्दे में बीजेपी ठंडन गोपाल है, उन्होंने संबित पात्रा को भेज दिया। ऑब्वियसली प्लान यही रहा होगा कि थोड़ा झूठ बोल के, थोड़ा पुई, 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 पुई। करके नैया पार हो लेगी, एंड इट कुड हैव वर्क्ड परफेक्टली। मगर अनफॉर्चुनेटली शो का नाम था सबसे बड़ा सवाल और होस्ट का नाम। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी मेरे साथ हैं। 10 लाख नौकरियां तेजस्वी देने का वादा कर रहे हैं, 19 लाख बीजेपी। आप कितनी नौकरियां देंगे केसी त्यागी, या दे दी जितनों को देनी थी? समझ रहे हो, 90% बिहार की आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसलिए रोजगार का जो सृजन है वो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने के बाद ही। तो 15 साल तो आपका राज रहा बिहार में। हाँ। देश के सर्वाधिक गरीब हैं 33.74, बिहार की जनसंख्या 12,47,99,926, उनमें से 4,21,07,495, हर 3 में से 1 व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है। जो शिक्षक पद हैं वो 6,88,157 है, जिनमें से 2,75,255 खाली पड़े हैं, उन्हीं को भरने की बात कर रही है बीजेपी। नीतीश कहते हैं पैसा कहां से आएगा। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, बीजेपी की मानू, आपके सहयोगी की मानू, नीतीश कुमार की मानू, मतलब नौकरियां नहीं हो सकती? बीजेपी भी बस चुनावी जुमला गढ़ रही है घोषणा पत्र में, 4 लाख नौकरियां देंगे और 15 लाख रोजगार। ये रोजगार आप कह रहे हैं खेती में कैसे रोजगार सृजित होंगे? देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, जो FPO है, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये जिस प्रकार सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ठीक उसी प्रकार, जैसे 2 करोड़ रोजगार दिए गए थे हर साल, वो जो वादा था उसकी तरह है ये रोजगार। खत्म, बाय बाय टाटा, गुड बाय। उस समय भी ये कह रहे थे कि कहां नौकरी दे दी, कहां मेरे खाते में पैसा आया, मगर 40 सीट्स हैं, 40 सीट है लोकसभा की, यार सीट आप जीत गए, पर कभी ये नहीं बताया रोजगार कितने सृजित किए। 5 साल का आंकड़ा कभी नहीं दिया, 6 साल हो गए उसका भी आंकड़ा नहीं दिया। 12वीं में स्कूल में ड्रॉप आउट रेट 40% है और बिहार में ट्रेंड टीचर्स सिर्फ 24.53% है, बाकी न जाने क्या पढ़ाते हैं बच्चों को। ये 15 साल के आपके राज में हुआ है। 6.5 लाख जो कि नौकरियां दी गई, प्लस जो शिक्षक उनकी बहाली हुई वो 3.5 लाख, तो लगभग 10-11 लाख जिसकी बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। नौकरियां सरकारी नौकरियां आप कह रहे हैं जी की सरकार, सरकारी नौकरियों के बारे में बात कर रहे हैं? सरकारी नौकरी की बात, हाँ, सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, शिक्षक एक मिनट कंफ्यूजन हो गई थोड़ी, मेरी कंफ्यूजन क्लियर कर दो। और 3 अप्रैल 2020 का कहीं भी PTI को सर्च कर लीजिएगा, सुशील मोदी का बयान, 7वां वेतन आयोग लागू हो रहा था, उन्होंने कहा बिहार में इस वक्त 3,10,000 सरकारी कर्मचारी हैं, इनमें रिटायर्ड को भी जोड़ दो, रिटायर्ड कर्मचारी संख्या है 3,80,000, 6,90,000 से तो ये आंकड़ा जा ही नहीं रहा ऊपर। आप कह रहे हैं 12 लाख। नहीं भाई, आप तो इकोनॉमिस्ट भी हो जाते हैं। इकोनॉमिस्ट हूँ भाई, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है, ठीक ठाक जगह से किया है। नेवर एवर 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 लाई टू संदीप चौधरी।